हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं हूं रमन मिश्रा। दोस्तों, आज हिंदी की सीरीज में कल मैंने आपको संधि से संबंधित संपूर्ण जानकारियां दी थी, जिसमें सबसे पहले हमने बात किया था संधि के आधार की, यानी संधि के पीछे क्या लॉजिक होता है, कौन सी चीजें अलग अलग संधियों का निर्माण करती है, इन सभी पर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आज उसी के आगे परिचर्चा को मैं रूप दूंगा और हमें पढ़ना है संधि के दूसरे और तीसरे भेद के बारे में, जो कि है आपकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन दोनों के बारे में बहुत व्यापक रूप से आज हम परिचर्चा करेंगे। उससे पहले खास बात है, यह समस्त जो प्रोग्राम है आपका, ठीक है, यह सब कुछ 10 प्लस कोर्स के अंतर्गत टीम के द्वारा आपको उपलब्ध करवाया जा रहा। तो जितने भी लोग हर एक लेक्चर को देख रहे, सारे लेक्चर आपके फ्री दिए जा रहे, लेकिन आपको हमसे जुड़ने के लिए क्या करना होगा? आपको हमसे जुड़ने के लिए, अगर हमें डेली बेसिस पर आपको नोट्स चाहिए, जो हम पढ़ाते हैं इसकी नोट्स भी रहती है, उसके लिए आपको 3 महीने का प्लान लेना है। तो 3 महीने का प्लान इतना महंगा भी नहीं रखा गया है कि आप उसे परचेज ना कर सकें। ये सारे वीडियो आपके 10 प्लस कोर्स के अंतर्गत हैं, यानी लगभग हम इसमें 10 कोर्सेज पर फोकस होकर पढ़ा रहे हैं। अब जो हिंदी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये हिंदी आपकी, जानते हैं, उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा, चाहे UP SSSC की आपकी कोई परीक्षा होगी, पीटी अगर मान लीजिए इसके बाद शुरुआत होगी, तो पीटी में हिंदी मस्ट ही मस्ट है, उसमें भी काम देगा, या UP SSSC की कोई परीक्षा है, सभी में काम देगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा आप देने जा रहे हो, उत्तर प्रदेश SI की परीक्षा आप देने जा रहे हो, उत्तर प्रदेश RO AR O की परीक्षा आप देने जा रहे हो, सभी में हिंदी जितना मैं पढ़ाऊंगा वो हिंदी पूछी जाती है। RO AR O में बस कुछ टॉपिक आपके, चूंकि 6 ही बिंदु से सवाल होते हैं, 10-10, 60 प्रश्न, लेकिन वहां पर भी कुछ चीजें आपकी आएंगी जो यहां पर चर्चा में करूंगा। उसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश छोड़ दो, आप मध्य प्रदेश में कोई परीक्षा देने जा रहे हो, जैसे मध्य प्रदेश SI हो गया, वहां भी हिंदी जितना मैं पढ़ाता हूं इससे बाहर नहीं आएगी। अगली चीज, अगर आप उत्तराखंड राज्य की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप पढ़ लीजिए, सारी परीक्षाएं आपकी निकल जाएंगी यहीं से। तो एक हिंदी के लेक्चर से आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करिए, सारे एग्जाम आपके जितना मैं पढ़ा रहा हूं इतने पर कंसंट्रेट होकर अगर आपने पढ़ लिया, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी हिंदी हर एक परीक्षाओं में आपकी सफलता को जरूर निर्धारित करेगी। ठीक है, देर नहीं करना है आप सभी को, भाई 3 महीने का 499 रुपए है, इतना पैसा तो आप वैसे खर्च कर देते हैं, 1 महीने में लगभग जो है 150 रुपए हुआ, और हम 1 महीने में लगभग 150 PDF आपको दे देंगे। हर डेली बेसिस पर 4 क्लासेस जाती हैं, सभी की क्विज जाती है, और साथ ही साथ क्विज के बाद सभी की PDF आपको उपलब्ध कराई जाती है कि आप PDF पढ़िए, लास्ट में सबका संकलन करके एक बुक बना दिया जाएगा, उस PDF को आपको दिया जाएगा ताकि आप प्रिंट करवा के पढ़िए। तो इससे बेहतर आइडिया क्या हो सकता है, दिमाग पर कुछ जोर डालिए और वो जगह पर सारी चीजें करिए जहां से आपको फायदेमंद है। ठीक है, 499 रुपए नाम मात्र का है, ये इसलिए लगाया, इससे पहले हमने 200 क्लासेस के कंटेंट फ्री दिए हैं, पूरा नोट्स और हर एक क्वेश्चन, लेकिन बच्चों को कोई मतलब नहीं होता था उन सभी चीजों से, इसलिए हमने ऐसा किया कि जब आप पे करोगे तब तो कुछ अपनी मजबूरी समझोगे, इसलिए इन सारी चीजों को क्या करिए, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इससे जुड़िए और इस कोर्स का लाभ लीजिए। बाकी सारी वीडियोज क्लासेस सब कुछ फ्री है, डेली जो वीडियो होती है उस पर आधारित क्विज होती है, यह भी फ्री है, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए। अब मैं बढ़ता हूं इसके जस्ट आगे, और आज हमें जहां परिचर्चा करनी है उन बातों पर हम लोग, ठीक है, अपना डिस्कशन प्रारंभ करते हैं कि क्या चीजें आज पढ़नी है। भैया, आज हमें हिंदी में, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि के दूसरे पार्ट पर हमें परिचर्चा करनी है, और वह संधि का दूसरा जो पार्ट है वह है आपका व्याकरण, वो व्यंजन संधि, जो दूसरा आपका पार्ट है यह व्यंजन संधि है, इसी पर हमें परिचर्चा करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक पॉइंट को समझते हुए बहुत अच्छे तौर पर, कि कौन सा पॉइंट आपका कहां पर होगा और यह कैसे कैसे आपके लिए जरूरी होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सुनिएगा मेरी बातों को। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि में सबसे पहले जानना होता है कि यह होती क्या है। देखो, व्यंजन संधि के उदाहरण को मैंने बताया था कि जहां पर किसी व्यंजन का मेल हो,
ठीक है। जब किसी व्यंजन का मेल, यहां यह जरूरी नहीं होता कि इस व्यंजन से ही स्वर से हो जाए या किसी व्यंजन से हो जाए, वहां पर इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अब अगर किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर या किसी व्यंजन से हुआ तो एक विकार उत्पन्न होता है, बोलने में कुछ ना कुछ बदलाव आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला उदाहरण मैंने आपको यह समझाया था कि जगत धन ईश जैसे लिखा हुआ है। अब जगत धन ईश पहला, ये देखो शब्द का अंतिम वर्ण ता लिखा है और इसके में इसमें हलंत लगा है, यानी इसमें किसी स्वर का उच्चारण नहीं होगा। अब स्वर का उच्चारण नहीं होगा तो सिर्फ ता बचा, और इसका जब मेल दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण यानी ई से कराएंगे तो इन दोनों के मेल के उपरांत जो नया शब्द बनेगा उसमें ता का बदलाव दा से होगा और बड़ी की मात्रा लग जाएगी, तो जगत धन ईश मिलके जगदीश बन जाता है। समझे? यहां जो अब इसमें देखो, जो मैंने परिभाषा में बताया कि जहां किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन किसी से हो, उनके मेल के उपरांत जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। मिल गया विकार, अब बोलने पर क्या हुआ, परिवर्तन आया, कुछ चीजें बदली, तो यह चीजें ता की जगह पर दा हो गई। अब ता की जगह पर दा क्यों आई, यह व्यंजन संधि के नियमों के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आपको हेडिंग डाल लेनी है कि व्यंजन संधि के नियम क्या क्या हैं, इन्हीं पर व्यापक परिचर्चा कर लेंगे। तो संधि विच्छेद में पूछा जाता है, संधियों में पूछा जाता है, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। सबसे बड़ी चीजें हैं नियमों को समझना, इसलिए जरूरी है कि भैया जब संधि विच्छेद पूछा जाए तो वहां गलत करके ना आओ, ठीक है। देखो अगर 40 प्रश्न हिंदी में आते हैं किसी भी परीक्षा में, तो संधि से, ठीक है, वर्णमाला से आप यह मान लो कि कम से कम 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, 3 से 4 प्रश्न, और वर्णमाला के बाद शुद्धि और अशुद्धि, ठीक है, शब्दों की वर्तनी आती है, वर्तनी पर किसी दिन परिचर्चा में करूंगा व्यापक रूप से, तो वर्तनी से भी 2 प्रश्न हो जाते, बाकी संधि से लगभग आप यह देखोगे कि 2 प्रश्न तो न्यूनतम रहते ही रहते हैं। 2 प्रश्न यानी UP SSC में 4 नंबर, उत्तर प्रदेश SI का 4 नंबर, एक प्रश्न से ही आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो सोचिए जो चीजें हमारी मातृभाषा है, जिसमें आज हम पैदा हुए और आज तक जिस भाषा में खेल रहे उसी भाषा को नहीं समझ पाए तो दिक्कत क्या है, ठीक है। इसलिए आपको प्रयास करना है कि जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उसको उसी अनुसार मना स्थिति में आप धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं बताता जाता हूं, लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ पता भी नहीं चलेगा और सारे तथ्य, आपको सारी जानकारियां दिमाग में भंडारित हो जाएंगी, ठीक है। बस आपको सुनना है मुझे, जितने मैं लेक्चर करा दूंगा आप उसको ध्यान से सुन लीजिए, नोट्स मैं जितना कुछ पढ़ाता हूं उस सभी की नोट्स जो है, ठीक है, मेरी खुद हैंड रिटन थी, उसी को मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ पूरा जो है टाइप करवा के एक कंटेंट के रूप में बनवा दिया है, उसको सारे लोगों को दिया जाएगा। यानी जो कुछ मैं पढ़ाता हूं उसी को मैंने अपनी भाषा के रूप में लिख दिया है और वही नोट्स आपको मिलेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम व्यापक रूप से चर्चा करते हैं कि कौन व्यंजन संधि में, आखिर व्यंजन संधि हमें पढ़ना है तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। पहली चीज ध्यान रखना, व्यंजन संधि में जो इसका सूत्र दिया जाता है संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत, उसमें बोला जाता है स्तो सुनः सुचोः, समझे, स्तो सुचना सुनु। अब इसमें दूसरी बात, एक शब्द अभी मुझे नया मिला था, ठीक है, नया क्या, UP SSC में पूछा गया था कि UP SSC में पूछा था कि हल संधि किसे कहते हैं। तो एक चीज भैया ध्यान रखना, हल संधि व्यंजन संधि को ही कहते हैं, कहीं भी यह शब्द मिल जाए तो परेशान मत होना, संस्कृत में व्यंजन संधि को हल संधि बोला जाता है, समझे। तो यह पूछा था UP SSC में कि हल संधि किसे कहते हैं। दूसरी बात, व्यंजन में मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि व्यंजन आपके होते क्या क्या हैं, तो एक बार फिर से दोहराव कर लो, जो आपका किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण होता है वही क्या कहलाता है, उसी से उसी वर्ग का नाम चलता है, ठीक है, वही चीजें हैं जैसे हमारे, ठीक है, पूर्वजों का नाम होता है। अब आपको कोई जानेगा तो सभी पूछेंगे अच्छा ये फलाने का पोता है,
तो वही चीजें यही है। पहला का वर्ग होता है, इसमें प्रथम जो वर्ण है यह का है, द्वितीय वर्ण खा, फिर गा, घा, अंगा, ऐसे सभी में चा वर्ग में प्रथम वर्ण आपका चा है, द्वितीय छा है, तृतीय जा है, झा है, इया है, ऐसे सारे यह व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। समझ गए? यह 5x5 की मैट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, वर्णमाला को ध्यान करिए कि यह 5x5 मैट्रिक्स होती है, यह 25 होती है, और यह जो 25 आपके वर्ण होते हैं यह आपके क्या कहलाते, ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन जब मैं आपको बता रहा था, ठीक है, स्पर्श संघर्षी के बारे में बताया था, लेकिन अगर मान लो कहीं वर्णमाला में पूछ लिया मूल स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, तो मूल स्पर्शी व्यंजन, इसको मैंने नोट्स में दिया था आपको अलग से, ठीक है, वैसे भी मैंने बताया है, इसके अलावा मैंने हिंदी की 800 की भैया सीरीज करा रखी है, 800 प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा रखा है, उसको भी देखिए, वीडियो पड़ी हुई है, उसको भी देखते रहिए, बहुत फायदा देगा, और यहां जो पढ़ाता हूं वो पढ़ते रहो, सारे कंटेंट इसमें, सारी वीडियोस फ्री लगी हुई है, प्लेलिस्ट में तो जाइए, यहां इतना कुछ टीम ने दे दिया है कि आप पढ़ते पढ़ते आपको यह महसूस होगा वाकई टीम ने कुछ आपके लिए किया है, ठीक है, और यहीं से सिलेक्शन हो जाएगा, ज्यादा भटकाव की आपको जरूरत ही नहीं है कि आप ये भी यूट्यूब पर भटक गए, वहां भी भटक गए, एक जगह टिको, ये चीज अपने अंदर लाओ कि एक जगह टिको और उसी को फॉलो करो, किसी को भी फॉलो करते हो लेकिन एक जगह रुककर पढ़ो जहां पर आपको लगे। अब यहां परीक्षा प्लस टीम में आप देख लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट आपको है नहीं जो हम देते ना हो, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, ठीक है, आप किसी भी चैनल वाले को कंपेयर कर लीजिए, इससे बेस्ट कंटेंट कहीं मिलेगा नहीं आपको, ठीक है, तो इसीलिए एक जगह पर अपना पैर जमाओ करो जहां से सिलेक्शन आपकी होने की उम्मीद हो। अगर लगातार भटकाव बनाए रखोगे तो ये चीजें समझ लो कि कहीं ना कहीं आपकी मनोस्थित पर वो फर्क डालता है, ठीक है। दूसरी बात, अंतास्थ व्यंजन के बारे में मैंने आपको परिचर्चा की कि या रा ला वा जो होते हैं ये अंतास्थ होते हैं, ऊष्म होते हैं, शा 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 सा हा, ठीक है। अब पंडित जी वाला नहीं, जैसे सेंट बोरस जानते हो ना, सेंट बोरस का मतलब कौन लोग पढ़े हैं, सेंट बोरस में, सेंट बोरस का मतलब क्या कि घर से एक बस्ता लिए, ठीक है, और लकड़ी वाली पाटी जानते हो नहीं, जिसमें पोत पोत के बढ़िया कोयला से लिखते थे, खड़िया जो है खड़िया मिट्टी से, तो घर से जब हम पाटी लेकर पढ़ने जाते थे और एक बस्ता टांगते थे बगल में झोरा, और उसके बाद फिर क्या लेते थे, फिर हम लेते थे घर से एक बोरा, तो जहां से बोरा लेकर पढ़ने जाओ वह सेंट बोरस। अब सेंट एंटनी सेंट माइक जो है माइकल तो उस समय हम लोगों के जमाने में थे नहीं, सेंट बोरस था अपना प्राइमरी, ठीक है, तो उसकी बेइज्जती नहीं करना है भाई, सेंट बोरस से पढ़े हुए हम लोग विद्यार्थी हैं, तो हम उस हिसाब से बात करेंगे, अपने स्कूल के थोड़ी हमें कुछ बोलना है, समझे। अब चलो प्रमुख नियम और संधि बता रहा हूं, उदाहरण भी, ठीक है, क्योंकि उदाहरण मैंने बताया है आपको कि जहां से परीक्षा में पूछा गया मैंने उसी उदाहरण को सेट किया है कि आप में यह भटकाव ना हो कि गुरुजी पिछले प्रश्न पत्र में बता दीजिए कैसे प्रश्न पूछे गए थे, उसके लिए भैया मैंने लिख रखा, सब कुछ चर्चा कर रहा हूं, बस देखते जाओ। देखो इसमें सबसे पहली बात यह ध्यान रख लो कि पहला जो आपका फॉर्मूला है, पहला जो सूत्र है व्यंजन संधि के अंतर्गत, वह यह कहता है कि यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम वर्णों का मेल, स्पर्श व्यंजन मैंने बताया और प्रथम वर्ण भी आपको समझाया इससे पहले, उसमें कौन का चा टा तापा, ये प्रथम वर्ण हो गए किसके, स्पर्श व्यंजनों के, अगर इनमें से किसी का मेल इनके अलावा, यानी इनका मेल इनसे ही ना हो, इनके अलावा तृतीय या चतुर्थ वर्ण से हो जाए, यानी का मेल किससे हो जाए, का खा गा से हो जाए, गा से हो या फिर घा से हो जाए, किसका का मेल, या फिर चा का मेल उसके वर्णों से हो तृतीय या चतुर्थ उसी वर्ग के, या टा का मेल ऐसे, जहां पर भी ऐसी कंडीशन बनती है तृतीय या चतुर्थ वर्ण से हो या फिर किसी स्वर से हो जाए, ठीक है, या अंतास्त व्यंजनों से हो, अंतास्त व्यंजन अभी मैंने बताया कि यारा लावा, इनमें से किसी में होता है तो जो प्रथम वर्ण आपका वर्ण होगा इस प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण जो है वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है,
ठीक है, उसी वर्ग का मतलब अगर का है तो का के स्थान पर जब का मेल होगा तो इसी वर्ग का वर्ग मतलब का वर्ग का तृतीय वर्ण यानी का खा गा आ जाएगा यहां पर। तो एक चीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जहां पर भी ऐसी कंडीशन मिलती है कि का चा टा ता पा का मेल इनको छोड़कर इन्हीं वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ण से मेल हो या किसी स्वर से हो या किसी अंतास्थ व्यंजन से हो, वहां पर इसी वर्ग का तृतीय वर्ण इन प्रथम वर्णों के स्थान पर हो जाता है। समझ गए मेरी बातों को? अब उदाहरण के साथ देख लो, कभी भी कोई भटकाव जिंदगी में नहीं रह जाएगा कि अच्छा गुरुजी आपने यह पढ़ाया था तो इसका उदाहरण समझा दीजिए। देखो भैया, पहला मैंने उदाहरण लिया है वाक धन ईस, चूंकि ये पूछा था तो हम सोचे कि चलो ऐसे ही उदाहरण सेट करो कि आप लोग भी परेशान ना हो। पहला उदाहरण आप सभी के समक्ष है, मैंने लिख रखा है वाक धन ईस। अब देखो भैया, यहां वाक लिखा है मतलब जो प्रथम शब्द है इस जो है इसका अंतिम वर्ड आपका का और नीचे हलंत लगा यानी व्यंजन लिखा। दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? स्वर लिखा है। अब का मेल किसी स्वर के साथ हुआ तो अभी नियम मैंने क्या बताया कि ऐसी स्थिति में भैया आपका उसी जो वर्ग होगा उसी वर्ग के तीसरे अक्षर से इसका परिवर्तन करेंगे तो वाक धन ईस मिलके क्या बनेगा? वागीस बन जाएगा। समझ गए? का के स्थान पर का खागा मतलब का वर्ग का तीसरा अक्षर यहां पर आ गया तो वाक धन ईस मिलके वागी शब्द का निर्माण कर दिया। समझ गए? दूसरा उदाहरण समझ लो, मान लो वो समझ में ना आया हो, वाक धन जाल जैसे मैंने लिख रखा है वाक धन जाल, ठीक है। अब वाक धन जाल जो लिखा है ये दोनों मिलके क्या बनेगा? जब वाक यानी यहां पर क्या लिखा है, वाक में का आपका व्यंजन है, इसका मेल जा से हो रहा है। मैंने क्या बताया कि इनको छोड़कर किसी व्यंजन या किसी स्वर या किसी अंतास्थ से हो जाए तो वाक धन जाल मिलके वागजाल शब्द का निर्माण करेगा, ठीक है। का परिवर्तन फिर से गा में हो गया। अब यहां गा पूरा आपका नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि यहां का में हलंत लगा है और जब तक इसके बाद कोई स्वर नहीं आएगा तब तक यह संपूर्ण नहीं होगा। मैंने बताया था कि शुद्ध व्यंजन लिखना हो तो शुद्ध व्यंजन वह होंगे जहां पर आपका हमेशा नीचे हलंत लगा होगा, वह शुद्ध व्यंजन आपके होंगे। कहीं भी आपसे पूछ ले कि निम्न में से शुद्ध व्यंजन कौन सा है तो हमेशा बच्चा याद रखना कि हलंत वाले निशान पर हमें टिक मारना है। मैं छोटी छोटी गलतियां जो आप परीक्षाओं में करके आए हो, जो हमसे आप लोगों ने पूछा है कि सर जी ये गलत कराए, मैं उन सभी को एक साथ पिरोकर फिर आपके सामने लेक्चर को लाता हूं कि आप में यह चीजें ना रह जाएं कि इसके बाद भी मेरे लेक्चर पढ़ने के बाद भी आप में कुछ संशय रह गया, ठीक है। तो ऐसी मेहनत को मैं भी बेकार मानता हूं क्योंकि अगर मैंने आपके साथ एक घंटे डेढ़ घंटे यहां मेहनत की तो उसके बाद आपके अंदर यह मेरी जिम्मेदारी है कि आपके अंदर कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं जितना पढ़ाता हूं इसकी पीडीएफ आपको दे देता हूं, पीडीएफ के बाद जितना मैंने पढ़ाया उसमें से क्विज बना देता हूं और क्विज अपलोड हो जाती है ऐप पर, उसको आप दोगे तो जो कुछ यहां पढ़ के जा रहे हो वो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, समझे। इसीलिए सारे लोग परीक्षा प्लस ऐप तो भूलना नहीं है। और उसके बाद क्या करना है, 499 का प्लान ले लीजिए ताकि पीडीएफ आपको सब कुछ नोट्स मिलती रहे। दूसरी बात, जैसे अच धन अंत है तो अच धन अंत का मेल अब चा का मेल हो रहा, देखो। अब दूसरा, जैसे मैंने का चा टा ता पा बताया था, अच धन अंत का यहां मेल करवा रहे। अब देखो यहां पर पहला चा यहां लिखा हुआ है, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है यह चा है, चा का मेल आ के साथ हो रहा, ठीक है। तो इन दोनों का अच धन अंत लीजिए या अच धन अजंत लीजिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अच धन अंत मिलके क्या बनेगा? यह बन जाएगा, अजंत बन जाएगा। समझ गए? अब परेशान मत होना, अच धन अंत मिलके अजंत का निर्माण करता है क्योंकि चा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? चा छा जा, ठीक है। तो चा के जगह पर यहां जा शब्द आ जाएगा और अच धन अंत जो है अंत का मिलकर दोनों का जब मेल होगा तो यह अजंत बन जाएगा। अगली देख लो, का चा देख लिया, ता से मेल देख लो। जैसे लिखा है तत धन इच्छा, ठीक है। हर एक चीजों का मैंने उदाहरण लिख दिया है, मैंने बताया कि अगर यहां पर समय देने के बाद आपको कोई समस्या रह जाए तो समझ जाओ फिर
संशय है। तत्धन इच्छा, ता का मेल ई से मैंने करा दिया, तो जब ता का मेल ई से होगा यानी किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर से हो रहा तो उस व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण होगा। ता का तृतीय वर्ण ता था दा, अब यहां ता के स्थान पर दा आएगा, तत् धन इच्छा मिलके तद इच्छा बन जाएगा, क्योंकि जब दा आया यहां पर इच्छा में छोटी ही है तो इस पर छोटी ही की मात्रा लग जाएगी, तो तत् धन इच्छा आपकी तद इच्छा बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। एक उदाहरण और देख लो, मैंने टा भी बोला तब कह दो गुरुजी आपने टा वाला नहीं बताया, तो भैया इसीलिए टा वाला भी उदाहरण देख लो। जैसे लिखा है सट, ठीक है, धन आनंद, सट धन आनंद आपका लिखा है, तो टा ठा डा, टा का तीसरा वर्ण क्या होगा भैया, डा होगा, तो टा के स्थान पर डा आएगा, तो सट धन आनंद मिलके षडानन बन जाते हैं। समझ गए, अब गलती मत करना। अगला एक उदाहरण देख लो, ठीक है, दिक धन गज लिखा है, दिक धन गज, अब का मेल गा से यहां पर हो रहा, यानी व्यंजन का मेल मैंने व्यंजन, अभी तक व्यंजन का मेल मैंने स्वर के साथ समझाया, अब व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा तो दिक धन गज, ठीक है, दिक धन गज मिलके का तीसरा वर्ण का है, का खा गा। मैंने नियम में क्या बताया कि अगर किसी भी व्यंजन में इसके प्रथम वर्णों का मेल इसको छोड़कर इन्हीं के तृतीय या चतुर्थ वर्ण से हो तो वहां पर क्या होगा, तृतीय वर्ण होगा, इसलिए दिक धन गज मिलके दिग्गज शब्द का निर्माण करेंगे। समझ गए, अगला देख लो, अगला है सत धन गति। अब सत धन गति जब आप देखोगे, यहां ता है, ता का मेल गा से हो रहा तो फिर से ता की जगह पर क्या आएगा, ता था दा आएगा, और सत धन गति मिलके सदगति का निर्माण करते हैं, सदगति। समझ गए, अगला एक आपका उदाहरण है, ये जितने उदाहरण बता रहा हूं किसी ना किसी परीक्षा के हैं। जगत धन ईश, जगत धन ईश का जब आप मेल कराओगे, ता शब्द का उदाहरण बड़ी, ता का मेल ई के साथ हुआ तो जगत धन ईश जगदीश बन जाएगा। तो प्रथम नियम को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, अब व्यंजन वर्ण के दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम आपसे कह रहा कि यदि किसी, क्या बोल रहा, यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण का मेल अनुनासिक वर्ण से हो, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किससे हो, किसी अनुनासिक वर्ण से हो, तो जो प्रथम वर्ण के बदले पंचम वर्ण हो जाता, अनुनासिक याद है ना, बताया था, परिभाषा भी बताई थी, वर्णमाला का वीडियो फिर से खोलो, जो लोग पहली बार इस चीज को सीधा देख रहे, वर्णमाला का वीडियो खोलो, तीन पार्ट में वर्णमाला बताई है, उससे बाहर कुछ नहीं होगा तो उसको फिर से देख लीजिए। देखो क्या कह रहा कि अगर किसी प्रथम वर्ण का मेल किससे हो, अनुनासिक वर्ण से हो जाए तो वहां पर पंचम वर्ण उस जगह पर आ जाता उस वर्ण के बदले। अब इसको समझ लो अच्छे से, पहला उदाहरण मैंने बताया वाक धन में, ठीक है, अब वाक धन मय जब आपका बनेगा तो यहां व्यंजन आपका लिखा है का, और व्यंजन का मेल किससे हो रहा, मा से या फिर ना से, इन दोनों में से किसी से हो रहा तो समझ जाओ ये अनुनाशिक है, क्योंकि मा बोलोगे तो नाक से, ना बोलोगे तो नाक से, ठीक है, तो वाक धन मय का मेल होगा तो इन दोनों से वाग्मय शब्द का निर्माण होगा। समझ गए, अब वाग्मय की वर्तनी में भी कई बार इसको पूछता है, जब शुद्ध वर्तनी पूछेगा कि वाग्मय की शुद्ध वर्तनी क्या है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं, अगला दूसरा उदाहरण इसका देख लो, दूसरा उदाहरण आपके सामने है, पहले पूछा है, ध्यान दीजिए, अप का मेल मय के साथ करा दिया, अप शब्द का मेल मय के साथ करा दिया, और इन दोनों का जब मेल होगा भैया तो अमय शब्द का निर्माण होगा। समझे, तीसरा उदाहरण देखो, जगत धन नाथ, मैंने बताया ना कि मां या ना का मेल हो रहा है तो इन दोनों पर समझ लेना कि यह अनुस्वार वर्णों के अंतर्गत आते हैं। बहुत बढ़िया, देखो जगत धन नाथ, इन दोनों का मेल करा दो तो ता की जगह पर ना हो जाएगा और इन दोनों के मेल से जगन्नाथ शब्द बनेगा। ऐसे ये है चित धन में, चिन्ह में, ये सारे उदाहरण बच्चा किसी ना किसी परीक्षा के ही हैं आपके। अगला देख लो, तीसरा नंबर सूत्र क्या है, कह रहा जहां ता या दा, कौन से, या तो ता हो या फिर दा हो, जहां पर ता या दा का मेल किससे करवाना है, अगर ता या दा का मेल हमें किससे करवाना, छा से या फिर छा से, ता या दा का मेल छा से हो या फिर छा से हो, तो वहां पर क्या होगा बच्चा, ये जो ता लिखा है या जो दा लिखा है, इन दोनों के स्थान पर जा आ जाएगा। समझे,
इन दोनों के स्थान पर जा हो जाएगा। तो इस चीज को ऐसे ब्रैकेट में, जैसे मैंने वर्णमाला संधि में आपको समझाया था, तो हर जगह पर ऐसे लिखते चलते रहना कि आपको लगे कि केमिकल रिएक्शन इसमें करवा रहे हो, समझ गए। चलो, तो जहां पर ता या दा का मेल किससे हो गया, चा या छा से हो गया, वहां ता या दा के स्थान पर जा शब्द हो जाता। अब उदाहरण देख लो, बस सब कुछ क्लियर है। देखो, ता या दा के स्थान पर जा नहीं आ, चा होगा, ठीक है, चा हो जाता है। अब देखो उदाहरण, देखो और उदाहरण में सबसे पहला आपका उदाहरण कौन सा आएगा, जैसे जो आया है, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो आया है वही चीजें मैं आपके सामने ला रहा हूं। सबसे पहला उदाहरण है उत्तधन चारण। अब यहां ता का मेल किसके साथ हो रहा, ता का मेल चा के साथ हो रहा। तो मैंने बताया कि जहां ता का मेल चा के साथ होगा वहां ता के स्थान पर चा आ जाएगा, ठीक है। तो उत्तधन चारण मिलके क्या बन जाएगा, उच्चारण का निर्माण करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, ऐसे ही समझते रहना है। और सारी चीजें हिंदी में कभी भी कोई दुविधा आपको नहीं आएगी जितना मैं पढ़ा रहा हूं। दूसरा उदाहरण देख लो बच्चा, सरत धन चंद्र लिखा है। अब यहां ता का मेल चा के साथ हो गया, फिर से वही चीजों पर चले जाओ कि चा या छा के साथ होगा तो ता के स्थान पर चा आ जाएगा। तो सरत धन चंद्र मिलके क्या बनेगा, सरच चंद्र का निर्माण करेगा। ऐसे अगला एक उदाहरण मैंने लिखा है सत धन चरित्र। जहां सत धन चरित्र ता का मेल फिर से चा से हो गया तो यहां पर सच्चरित्र शब्द का निर्माण हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगला देख लो, जैसे अगला शब्द है आपका महत धन छत्र। अब यहां पर ता का मेल छा के साथ हो गया तो जो ता है ता के स्थान पर क्या चा आ जाएगा, तो महत धन छत्र मिलके महच छत्र बन जाएगा, समझे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण है इसका कौन सा, चौथा नंबर का देख लो। चौथा नंबर आपसे क्या बोल रहा, कह रहा ता या दा का मेल यदि जा अथवा झा से हो तो ता या दा के स्थान पर जा हो जाता। यहां पर जा आपका आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा, अगर आपका ता वर्ण लिखा है, ता व्यंजन, या फिर दा लिखा है, और इन दोनों का मेल किससे हो रहा, जा से या झा से हो रहा है, किससे, जा से हो रहा है और या फिर आपका झा से हो रहा है, जा से हो रहा या झा से हो रहा। तो हमेशा याद रखना एक चीज को बच्चा, कि ये जो ता और दा है इनके जगह पर क्या होगा, इनके जगह पर जा होगा, समझ गए। इससे पहले वाले में क्या बताया था, इससे पहले वाले में बताया था कि अगर ता या दा का मेल चा और छा से हो रहा तो वहां ता या दा के स्थान पर चा होता, यहां ता या दा का मेल जा या झा से हो रहा तो ता या दा के स्थान पर जा होगा। अब उदाहरण समझ लो, बस मना स्थिति आपकी एकदम साफ। उदाहरण देखो, पहला देखो, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ रहे, समझ रहे, ये चीजें बढ़िया है। देखो जैसे लिखा है सत धन जन। अब सत धन जन लिखा है, ता का मेल बच्चा यहां किससे हो गया, जा से हो गया, समझ गए ना, ता का मेल किससे हो गया, जा से हो गया। दिमाग तुरंत घूम जाए कि गुरुजी ने बताया था। अब गुरुजी ने क्या बताया था, कि ता का मेल जहां जा से होगा वहां पर जा ही आएगा ता की जगह पर, तो सत धन जन मिलके बन जाएगा बच्चा सज्जन। कहते हैं बड़े सज्जन पुरुष है, ठीक है, और हर एक व्यक्ति के दो जो है पहलू होते हैं। क्यों, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। समाज में हम दिखाते हैं हम बड़े संस्कारी, और अंदर से हम जानते हैं ना, जितने बच्चे बाहर रहते हैं सभी को मैं जानता हूं, मैं भी शाम को सड़क पर निकलता हूं देखने के लिए। अब मैं बताऊंगा नहीं मैं कहां कहां निकलता हूं, कहीं मिल गए आप तो नाहक में कहोगे गुरुजी आप भी। देखो विपद धन जाल, अब अगला शब्द आ गया। अब विपद धन जाल है, यहां दा का मेल किससे हो गया, जा से हो गया। अब फिर से दिमाग लगा लो कि गुरुजी ने कहा था, गुरुजी ने क्या कहा था, कि दा का मेल भी अगर जा से होगा तो वहां पर दा के स्थान पर जा होगा। अब तुरंत दिमाग लग गया और यहां विपद जाल हमने कर दिया, मिला दिया। क्यों, क्योंकि गुरुजी ने आपको बताया था कि यही व्याकरण का क्या होता है, नियम होता है। अगला देख लो, पांचवा नियम, अगला इसका देखो सूत्र क्या है। यदि ता या दा का मेल, फिर से बच्चा दिमाग में रखो, अब ता या दा का मेल किससे कराना है, अगर ता या ठा से हमने करवा दिया, अगर ता या दा का मेल ता या ठा से हमने करवा दिया
तो वहां पर दिमाग में क्या बनाना है, यहां दिमाग में यह बनाना है कि अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने उत्पन्न हुई तो ता या दा के जगह पर क्या लाओगे, यहां पर टा ले आओगे। समझ गए बच्चा, ता या दा के जगह पर टा आ जाएगा। और ऐसी जहां पर स्थिति होगी वहां उदाहरण भी देख लो ताकि आपको समस्या भविष्य में ना आए। पहला उदाहरण क्या है, तत् धन टीका। अब ता का मेल किससे हो गया, टा से हो गया, तो ता का स्थान भी आपका किससे हटेगा, टा से हटेगा, यानी टा के साथ टा आ जाएगा। तो तत् धन टीका मिलके टट्टिका का निर्माण करेगा। समझ गए, टट्टिका का निर्माण हो गया। अब सत धन टीका अगर कहीं दिया है तो यहां सट टीका का निर्माण हो जाएगा। समझ गए, अगला देख लो। अगला छठा नंबर जो फार्मूला है, जितने मैं बता रहा हूं एकदम निचोड़ आपके सामने लाया हूं, अगर इतनी ही चीजों को आपने मना स्थित में रख लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा बच्चा, ठीक है। हिंदी जितनी परेशान रहते हो, जितने बच्चे बोलते हैं, हर एक हिंदी के नोट्स दे दीजिए सर जी, नोट्स दे रहा हूं भैया, इतना पढ़ा रहा हूं, इसके बाद क्विज दिया जा रहा, क्विज के बाद आपको नोट्स मिलना क्या चाहिए। अब इस पर जो है चीजें, अब आपको गंभीर होना है। जितने भी दोस्त मिलते हैं सबको लेकर आओ, चलो परीक्षा प्लस पर पढ़ो, देखो वहां कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। छठा नंबर देखो, छठा नंबर क्या बोल रहा, कह रहा है यदि ता या दा का मेल डा या ढा से हो गया। अब किससे, ता या डा का मेल डा या ढा से करवा दे तो वहां पर ता या दा के स्थान पर डा हो जाएगा। समझ गए, ता या डा के स्थान पर वो ता या दा के स्थान पर क्या होगा, डा हो जाएगा। देख लो उदाहरण कौन कौन से उदाहरण है और इसमें समझ लो। जैसे उदाहरण आपका दिया है उत धन डयन, ता का मेल किससे हुआ, डा से हुआ। और मैंने बताया कि ऐसी जो है जहां शर्त आपको मिल जाए, ता का परिवर्तन डा में कर देना, और डा में परिवर्तन जब आप करोगे तो उत धन डयन मिलके उड्डयन शब्द का निर्माण करेगा। कहते नहीं उड्डयन विभाग, ठीक है। अगला सात नंबर का फार्मूला, जितने से पूछता है मैंने उतनी जो है चीजों को एक जगह लिख दिया है कि आपको कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर समय आप दे रहे हमारे साथ तो मैं उस चीज को यह समझता हूं, टीम वो इस चीज पर विशेष काम करती है कि अगर आपसे हम समय ले रहे, क्योंकि समय भी हमारा क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है बच्चा। अगर आप ऐसी दौड़ में अपने एक घंटे को कहीं लगा रहे हो पढ़ने में और वहां से सब कुछ स्पष्ट नहीं होता तो ये समझ जाओ कि चीजें उतनी बेकार गई, आपके उस भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। इसीलिए जहां रुको एक जगह रुको और अच्छे से पढ़ो। टीम पर इसीलिए हर एक चीजें बेहतर दी जा रही कि इसके बाद आपको ना सोचना पड़े कि अच्छा परीक्षा प्लस के अलावा किसी और पर हम सोचे, हमें ये नहीं मिला। भैया सब कुछ है, आप पढ़िए, बस एक चीज बना लो कि पढ़ते रहना है टीम के साथ। देखो सातवां नंबर क्या कह रहा कि यदि ता या दा, फिर से चीजें मैंने उठा ली, इसका मेल ला से हो गया। अगर ता या दा जो है इसका मेल ला से हो गया तो यहां पर क्या लाओगे बच्चा, ता या दा के स्थान पर अब फिर से हम ला ही ले आएंगे, समझे। तो उदाहरण देख लो, जैसे यहां से जो उदाहरण आपका बन रहा वो क्या है, वह उदाहरण ये है बच्चा कि उत धन लास मिलके क्या बन जाएगा, जब उत का मेल लास से कराओगे, ता का मेल लास से कराओगे तो ता की जगह पर ला हो जाएगा, उत धन लास मिलके उल्लास शब्द का निर्माण करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ रहे हो, यही चीज चाहिए भैया, ठीक है। याद है ना काक चेष्टा वको ध्यानम, वही चीज बना लो एकदम, क्योंकि यहां पर मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसे ऐसी चीजों को यहां प्रयोजन के तौर पर लाऊंगा कि आप अपने आप को मानोगे कि आज हमें कुछ आ गया, समझे। चलो देख लो आठवां नंबर प्रश्न, देख जो है इसका सूत्र देखो कि यदि ता या दा का मेल हा से हो गया, ऐसी शर्त में क्या करोगे बच्चा, ता या दा का मेल हा से हुआ तो ता या दा के स्थान पर हम दा, समझे, और हा के जो स्थान पर होगा वहां पर दा में धा जोड़ देते हैं, मतलब दो दो परिवर्तन एक साथ आता है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए, जैसे इसको समझना यह है, दोनों चीजों को एक साथ मिला दिया गया है और दोनों को मिलाने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें आई हैं। यहां पर दोनों को एक साथ जब मिलाया जाएगा तो दाग में आपका धा जुड़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जैसे उत धन हार है, अब ता का मेल हा के साथ हो गया तो उत धन हार मिलके उद्धार शब्द का निर्माण करेंगे।
किसका? उत्धनहार मिलके उद्धार शब्द का निर्माण होगा। अगला है जैसे उत्धनहरण लिखा है तो यह उद्धरण बन जाएगा, उत्धनहरण लिखा है तो यह उद्धरण शब्द का निर्माण करेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा, अगला सूत्र जो 9 नंबर का है इसको ध्यान दीजिए। 9 नंबर आपसे क्या पूछा है? कह रहा कि यदि मां का मेल यारा लावा शा शा शाह, ठीक है, किसका? मां का मेल अगर इतने व्यंजनों से हो गया, इनमें से किसी से हो गया, यानी किसी अंतास्त या किसी उष्म व्यंजन से मां का मेल होने के उपरांत मां जो होगा किसमें परिवर्तित होगा? यह अनुस्वार में बदल जाएगा। अब यह जो है बहुत बार आता है बच्चा, हर एक परीक्षा में यहां से प्रश्न जरूर उठता है। देखो इसका उदाहरण देखो, जैसे लिखा है समधनार, अब मां का मेल हा के साथ हुआ, यहां पर लिखा हुआ है कि इनमें से किसी के साथ होगा और मां का मेल हा के साथ हो गया तो समधनहार मिलके क्या बनाएगा? संघार बनाएगा, ठीक है, समधनहार मिलके संघार। समधन योग लिखा है, अब संधन योग का मेल कराओगे बच्चा तो यह संयोग शब्द का निर्माण कराएगा, ठीक है। ऐसे समधनवाद लिखा है, इनका मेल करा दोगे तो संवाद बन जाएगा, समझे। 10 नंबर फार्मूले पर आते हैं, 10 नंबर क्या कह रहा? 10 नंबर कह रहा कि मां जो शब्द है आपका, ठीक है, मां जो व्यंजन है, मां का मेल किसी वर्ग जो है किसी वर्ण से हो तो मां के बदले अनुस्वार अथवा उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है, किसी भी वर्ग से। यहां वर्ग का मतलब क्या? का वर्ग में हो किसी से, चा वर्ग में किसी से हो, ठीक है, टा वर्ग में किसी से हो, ता वर्ग में किसी से हो, या फिर पा वर्ग में किसी से हो, ठीक है, किसी भी वर्ग से अगर मां का मेल हो गया तो वहां समझ लेना कि मां के बदले अनुस्वार या उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। अनुनासिक वर्णों के बारे में आपको वर्णमाला में मैंने अच्छे से समझाया था, समझ गए। आगे देख लो, उदाहरण देख लो, बस जैसे उदाहरण देखोगे कहोगे गुरुजी आ गया समझ में। देखो समधन कल्प है पहला, पहला क्या उदाहरण है? समधन कल्प। अब इन दोनों का मेल कराओगे तो क्या बनेगा? संकल्प शब्द का निर्माण होगा, समधन कल्प मिलके संकल्प शब्द बनेगा। ऐसे समधन तोष है, समधन तोष का जब आप मेल कराओगे तो यहां से संतोष शब्द का निर्माण होगा। अगला ऐसे आपका है किम धन चिंत लिखा, किम धन चित लिखा है, इन दोनों का जब मेल कराओगे तो किंचित शब्द का निर्माण होगा, समझ गए, यहां से किंचित शब्द का निर्माण आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली चीजें हैं आपकी, अगला आपका फार्मूला क्या है कि अगर एक और इसका बसता है कि समधन पूर्ण है, अगर इन दोनों का मेल कराएंगे तो वह संपूर्ण शब्द आपका बन जाएगा, समझ गए। अगली चीज ध्यान दीजिए, अब हम अगले संधि की ओर बढ़ते हैं और अगली संधि है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या चीजें आती हैं? इसका जो आपका सूत्र होता है वह होता है विसर्जनीय सासह, समझे, चलो नहीं समझ पाए तो हम अच्छे से बताते हैं इसके आगे चीजें क्या है, इसके नियम और उदाहरण को हम लोग देखते हैं, अच्छे से समझते हैं कौन कौन से उदाहरण है। देखो सबसे पहला जो सूत्र आता है कि यदि विसर्ग का मेल चा या छा से अथवा टा या ठा से अथवा ता या था से हो तो विसर्ग के स्थान पर निम्न परिवर्तन होते हैं। मैंने लिख दिया है सूत्र में कौन कौन से, देखो बहुत अच्छे से, इसीलिए मैंने हर एक चीजों को विभाजित कर दिया है। विसर्ग का मेल जब चा या छा से होगा तो यहां शा होगा, अगर विसर्ग का मेल टा या ठा से होगा तो यहां शा होगा, हर एक के उच्चारण में फर्क है। अब पंडित जी ने सेंट बोरस में मुझे क्या पढ़ाया था, ये सलजम वाला सा है बेटा और ये षटकोण वाला सा है और वो सरोता वाला सा है, ये पंडित जी ने हमको सेंट बोरस में हमारे पढ़ाया, आप लोग पढ़े कि नहीं आप जाने। अगला जो है जब विसर्ग का मेल ताया था से होगा तो वहां पर कौन सा सरोता वाला नहीं सा बनेगा, सा, ये क्या है, ये शा है, ये क्या है, शा है, समझे, सभी के उच्चारण में फर्क है। तो सेंट बोरस से अब आप जो है बाहर निकल आइए और अपने आप को चूंकि व्याकरण पढ़ रहे हो तो उस जो है दृष्टि से बात करो। आगे बढ़े, उदाहरण समझा रहे, समझ लो बच्चा, क्योंकि यही आपका मूल मंत्र है। निह धन छल, अब निह के बाद देखो, नी के बाद विसर्ग लगा है और इसका मेल किससे हो गया? छल के साथ हो गया बच्चा।
अब विसर्ग का मेल किससे हो गया, छा से हो गया, तो जहां पर भी ऐसी आपकी स्थिति उत्पन्न होगी वहां विसर्ग के स्थान पर शा हो जाएगा। ठीक है, तो निधन छल मिलके निश्चल शब्द का निर्माण करेंगे। अब यहीं पर निधन छल अगर मैं कर दूं तो निश्चल बन जाएगा, समझे, अगर यहां निधन छल कर दिया जाए तो आपका निश्चल शब्द का निर्माण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखो। अगला उदाहरण क्या कह रहा, कहा धनचित। अगला उदाहरण कह रहा आपसे कहा धनचित। अब का के बाद विसर्ग लगा है, इसका मेल चित के साथ हुआ तो आप जानते हो विसर्ग हटेगा, शा आएगा, और यह शा में क्या होगा, कश्चित शब्द का निर्माण यहां पर प्रस्फुटित होगा। पुरा धनकार बहुत बार आया है बच्चा, गलत मत करना। अब यहां रा के बाद विसर्ग है, इसका मेल का से हो रहा तो यहां पर सरवता वाला सा यानी साधारण सा आएगा, समझ गए। ठीक है, अगला क्या है, नी धन चल। नी का जब आप मेल कराओगे चा के साथ, विसर्ग के साथ मेल होगा तो यहां विसर्ग के स्थान पर फिर से आपका शा आ जाएगा, तो निश्चल शब्द का निर्माण होगा। फिर से बोल रहा हूं, जितने उदाहरण सेट मैंने किया है सब किसी ना किसी परीक्षा में आए हैं, और जब आप भविष्य में बैठोगे तो आगामी परीक्षाओं में भी इसी से सवाल होंगे। दुधंटा दुष्ट बनता है बच्चा, मनाभंताप मनस्ताप बनता है। ठीक है, तो पहले उदाहरण को हम लोग समझ लिए, दूसरा उदाहरण समझ लो बच्चा। विसर्ग में मैंने बहुत उदाहरण नहीं रखे, बहुत नियम नहीं, क्योंकि जहां से सवाल पूछे पढ़ना वहां से चाहिए। ठीक है, अब यह जरूरी नहीं कि जहां से नहीं पूछ रहा गुरुजी हमको वो भी खपा दिए, क्योंकि गुरुजी आए थे पढ़ाने तो गुरुजी इतना पढ़ा दिए कि हम पूरा का पूरा, ठीक है, दिमाग में एकदम जैसे डस्टबिन तरीके से सब उठा के भर लिए और वहां गए तो हमने अपने दिमाग से कहा प्रश्न पत्र जैसे आया कि दिमाग जरा वो वाली फाइल खोलो, तो दिमाग ने हजार फाइलें खोल के रख दी, उसके पास तो रिसाइकल बिन वाला ऑप्शन ही नहीं था। इसीलिए पढ़ो बच्चा उतना कि जहां से एक बार दिमाग को बोलो कि जरा खोल दो तो वो सिमसिम खोल के बढ़िया बढ़िया सारी चीजें आपको दिखा दे कि गुरु जी ने यह बताया था ये होगा, यही तो चाहिए। देखो, हमेशा एक चीज को याद रखना कि जब भी आपको ऐसी जरूरत हो कि परीक्षा हमें निकालनी है तो वहां एक चीज बहुत काम आती है कि छोड़ना क्या है। अब क्या लड़के करते हैं तैस में, हिंदी आप पढ़नी है, किताब उठा ले, चाट के रख दिए, विलोम रट लिए, पर्यायवाची रट लिए, 5000 शब्दों का संग्रह है। अरे वहां महाबली, वहां विलोम 5000 आएगा? अरे भैया 2 शब्द आता है, वो जहां से मैं मैटर दे दूं, जहां से आपको पता हो मैं जैसे जैसे बता दूं वैसे कर लो, वहां महाबली भीम क्या बनने जाओगे? अरे परीक्षा निकालनी है भैया, कि आप वहां जाके बोलोगे कि ये आयोग 5000 प्रश्नों जो है विलोम शब्दों को मैंने रट रखा है, मुझे सिलेक्शन दे, तो वो तो कहेगा नहीं तथा। इसीलिए यहां ध्यान दो, क्या बोल रहा दूसरा नियम, दूसरा बोल रहा बच्चा कि विसर्ग का मेल शा शा शा। अब विसर्ग का मेल संघर्षी व्यंजनों के साथ कर दिया तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता, यानी टस से मस नहीं होगा विसर्ग, क्यों, या फिर उसके स्थान पर उसके आगे का अक्षर ला सकते हो, अधिकतर आपको मिलेगा कि वो वैसे ही बना रहता। कैसे, देखो पहला उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण यहां मैंने आपके सामने रखा है दुधन शासन, और जहां पर ऐसा मिला यानी विसर्ग का मेल शा के साथ हो गया तो दुधन शासन मिलके दुःशासन लिख सकते हो या दुःशासन लिख सकते हो, दोनों शब्द आपके सही हैं, समझे, चाहे दुःशासन लिख दो चाहे दुःशासन लिख दो, दोनों शब्द सही है, और लिखते हम क्या है दुःशासन, यही तो लिखते हो दुःशासन। अब आप समझ जाओ आप सही लिखते हो गलत लिखते हो। अगला एक शब्द आपके सामने लिखा है हरिह धन चंद्र। अब विसर्ग का मेल चा से हो गया बच्चा तो यहां क्या बनेगा हरिश्चंद्र, समझ गए। आगे उदाहरण देख लो, अगला उदाहरण है निधन संक। इन दोनों का मेल कराओगे तो क्या बनेगा, निधन संक का जब मेल होगा तो इससे निशंक या निःशंक बनेगा। याद रखिएगा, ऐसा भी हुआ है कि परीक्षा में यह विकल्प नहीं आया, यह विकल्प लिख दिया, अब वहां कंफ्यूज आप हो जाओगे कि यह तो गलत है, गुरुजी ने बताया नहीं इसीलिए मैंने दोनों को लिखा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे एक परीक्षा में कि जहां पर यह देकर ना ये दे दिया था तो वहां बच्चे गलत कराए और फिर आकर के पूछे कि गुरु जी ये तो आया ही नहीं। फिर अब जानते ही हो कि जब चीजें गलती होती है उसके बाद बताओ
तो बड़ा बुरा लगता है कि अब करे तो क्या करे। ठीक है, निधन संदेह आ गया तो यहां क्या बनेगा, निसंदेह भी लिख सकते हो या फिर निसंदेह भी लिख सकते हो, दोनों शब्द आपके सही है बच्चा, जैसा मिलेगा वैसा करना। अगला उदाहरण देख लो, अगला उदाहरण बहुत आसान सा है विसर्ग का। क्या बोल रहा, कह रहा कि यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले यानी यहां विसर्ग लिखा है तो इसके पहले हमें यहां ध्यान देना है, क्या विसर्ग के पहले टा आ रहा हूं, विसर्ग के पहले या तो टा शब्द है और या फिर आपका कौन सा शब्द हो या फिर रा शब्द लिखा हो, तथा विसर्ग का मेल का खा, अब आगे इस विसर्ग का मेल किससे हो, का से हो या फिर खा से हो या फिर बच्चा पा या फा से हो, किसी से हो गया। ठीक है, ऐसी स्थिति में इनके पहले विसर्ग के बदले शाह हो जाता है। ठीक है, इनके पहले विसर्ग के बदले शाह होगा, आप समझ लो कैसे। देखो जैसे निधन कपट है, ठीक है, निधन कपट है, यहां पर जब आप देखोगे तो निधन कपट के बाद क्या बनेगा, निष्कपट बन जाएगा। दुधन कर्म है तो दुष्कर्म शब्द का निर्माण होगा, ऐसे आगे चीजें हैं, दुधन कर है तो दुष्कर शब्द बनेगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो चीजें आएंगी आपकी, ठीक है, यहां पर जो आपका शब्द विशेष होगा इससे पहले ई की मात्रा होनी चाहिए, टाया रा नहीं, ठीक है, ई की जो है मात्रा होनी चाहिए, जहां पर ऐसे मेल आपको मिलते हैं, स्वर मिलते हैं, वहां पर ये कंडीशन लागू होती है। ठीक है, जहां पर स्वर इनके पहले आते हैं, ई आता है वहां पर, ठीक है, विसर्ग के पहले क्या मिल गया, ई अथवा बड़ी ई मिल गया, और विसर्ग के बाद का या खा, पा या फा या, ठीक है, इनसे मेल हो गया तो हमेशा इसके जगह पर क्या होगा, विसर्ग की जगह पर शाह शब्द का निर्माण होता है। समझ गए, यहां टा या रा लिख गया था, ये दूसरे वाले का पहले में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो निधन कपट आपका निष्कपट, दुधन कर्म दुष्कर्म हो गया, दुधन कर दुष्कर हो गया, ठीक है, निधन पाप निष्पाप होगा। ठीक, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। निधन फल आपका क्या बन जाएगा, निष्फल बन जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, इसमें यही चीज याद रखनी है कि विसर्ग के पहले अगर स्वर कोई है और विसर्ग के बाद का मेल जो है किससे है, पाफा से है, इन सब से है, तो वहां शाह शब्द आएगा। अगला देख लो, कह रहा है यदि विसर्ग के पहले आ हो, कौन सा, साधारण आपका छोटा आ जिसको बोलते हो, ये विसर्ग के पहले हो और उसका मेल, विसर्ग का मेल तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण से या किसी अंतास्त व्यंजन से हो तो विसर्ग के जगह पर ओ शब्द हो जाता है, विसर्ग के जगह पर वो होगा, लेकिन विसर्ग के पहले साधारण आ होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण देख लो, जैसे आपका लिखा है मना धन जा, अब यहां विसर्ग के पहले मना लिखा है तो जानते हो आ शब्द आएगा। ठीक है, विसर्ग के पहले आ है, इसका मेल जा से हो रहा तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर अभी मैंने आपको बताया था, ध्यान दे लीजिए, ओ हो जाता है विसर्ग का, तो मना धन जा मिलके क्या बनाएगा, मनोज बना लेगा शब्द, क्योंकि ना पर अब ओ की मात्रा लग जाएगी तो मना धन जा मिलके मनोज बन जाएगा। ऐसे ये यशा धन दा है, ये तो बहुत बार पूछा है, अब यशा धन दा में देख लो, ठीक है, इसका संधि विच्छेद बहुत बार आया, अब जो विसर्ग है इससे पहले आ है, ठीक है, और दूसरी क्राइटेरिया क्या फिलफिल हो रही, दा के साथ में मेल हो रहा तो यहां यशाधन दा मिलके यशोदा शब्द का निर्माण करेगा। समझ गए, ऐसे अधाधन गति है, ठीक है, यह अधोगति बन जाएगा, मनाधन रथ है, यह मनोरथ शब्द बनेगा। समझ गए, अगला मेल देख लो, छह नंबर का, इसका छह नंबर क्या बोल रहा कि यदि विसर्ग के पहले, ठीक है, ध्यान एक चीजों को बहुत ध्यान रखना, विसर्ग के पहले की बात कर रहा है इस जगह पर, विसर्ग के पहले आ या बड़ा कोई भी हो, ठीक है, इनके अलावा आ या बड़ा के अलावा, क्योंकि आ वाला तो मैंने इससे पहले करवा दिया, कोई और स्वर लिखा है, इनको छोड़कर कोई और स्वर लिखा है और उसके बाद में क्या इसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण या फिर आपका कोई अंतास्त व्यंजन यारा लावा या कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर रा शब्द हो जाता है। अब कैसे, उदाहरण देख लो, समझ जाओगे आप अपने आप, क्योंकि हमें आ या बड़ा आ नहीं आना चाहिए तो यहां छोटी ई आ गया। ठीक है, निधन आशा, अब विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ई है और विसर्ग के बाद में
आ का मेल हो रहा तो नी धन आशा मिलके क्या बन जाएगा, निराशा। दो धन आशा दुराशा, समझ गए। नी धन बल निर्बल शब्द का निर्माण कर लेगा, ये जैसे लिखा है ऐसे नी धन दय निर्दय शब्द का निर्माण करेगा। ये सभी के सभी आपके आए हुए हैं। नी धन गुण लिखा है, यह निर्गुण शब्द का निर्माण करेगा, नी धन गुण, ठीक है। अगला ऐसे आपका लिखा है दुर्धन दशा, दुर्दशा शब्द का निर्माण करेगा, यह भी शब्द आपका आया हुआ है, समझ गए। आगे बढ़ लेते हैं इनके बाद, और इस तरीके से विसर्ग संधि के जितने भी आपके प्रमुख सूत्र रहे उन सूत्रों पर हमने परिचर्चा कर ली है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात का, वो बात आपका क्या है कि आपको करना क्या है कि हर एक चीजें यहां टीम चूंकि आपको प्रोवाइड करा रही है तो सिर्फ आपको पढ़ते जाना है और कहीं से भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। जितना कुछ बताया जा रहा इसकी नोट्स भैया आप लोग प्राप्त करिए, 499 वाले प्लान से सारे लोग जुड़ जाओ। नोट्स जब मिल जाए तो जो कुछ कह रहा हूं उसको सुनो, नोट्स को पढ़ो, जो क्विज होती है उस क्विज को दो, ठीक है, क्योंकि इसी से कल्याण होना है। देखो दो परीक्षाएं तो एकदम 100% तय है, एक तो उत्तर प्रदेश एसआई और दूसरा आपका लेखपाल, ठीक है। तो इन चीजों के लिए एकदम अच्छे से पढ़ो, गंभीर मुद्रा में पढ़ो और सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी क्योंकि टीम आपके साथ है। तो इसी के साथ मैं विदा ले रहा हूं, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।